ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रही सीसीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन को सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई जांच से राहत देने से इनकार कर दिया है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच से भाग रही अमेजन और फ्लिपकार्ट ने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की मांग को ठुकराते हुए कहा कि आप दोनों बड़ी कंपनियां हैं, आपको खुद इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और सच सामने लाने के लिए जांच में शामिल होना चाहिए, लेकिन हमें हैरत इस बात की है कि आप इस पर एतराज जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रही सीसीआई की जांच पर तो रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन दोनों को जांच में शामिल होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त जरूर दे दिया। भारतीय व्यापार संघ और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऑनलाइन रिटेल बाजार वाली कंपनियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इनके मुताबिक कंपनियां लागत से कम दाम पर माल बेचकर ऑनलाइन व्यापार नियम का उल्लंघन कर रही हैं। गलत तरीके से की जा रही है नुकसान की भरपाई। 80-90% अपनी कंपनियों को प्रमोट करती हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन। ई कॉमर्स कंपनियां एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन को स्टे करने की याचिका दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। निश्चित रूप से अब सीसीआई के सामने रास्ता साफ हो गया है कि वो अमेजन और फ्लिपकार्ट की पूरे बिजनेस मॉड्यूल की जांच करें, जिसकी कंप्लेंट हमने पहले से सीसीआई के पास में दी हुई है। व्यापार संघ की मांग थी कि सीसीआई इसकी जांच करे। इस मामले पर जब कंपटीशन कमीशन ने 30 सवालों के जवाब अमेजन और फ्लिपकार्ट से तलब किए तो इन कंपनियों ने कोर्ट का रुख कर लिया। अब सवाल ये है कि बड़ी कंपनियां जांच से क्यों भाग रही हैं। भारत में ऑनलाइन रिटेल बाजार कोरोना काल से पहले करीब 7% था। कोरोना काल में ऑनलाइन रिटेल बाजार 28% तक पहुंच गया। एक्सपर्ट ऑनलाइन रिटेल व्यापार 35-40% तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ई कॉमर्स के नियम हैं, उन नियमों को लागू किया जाए, जिससे कि जिन बड़ी कंपनियों के के क्लच में जो भारत का रिटेल व्यापार उनके चंगुल में फंसा है, उनके चंगुल से बाहर निकाला जाए। वहीं व्यापार संघ का आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियां बाजार के माहौल को बिगाड़ रही हैं। हालांकि इस मामले पर अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, आदेश आया, उसके बाद सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी इन बड़ी कंपनियों की जांच कर सकती है। जांच इस बारे में कि क्या इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, क्या अनियमितताएं कहीं करी गई हैं और खासतौर पर क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है, ये जांच के बाद पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।